भाई हम कुछ नहीं कर रहे थे भाई। तेरा पार्सल छुपा हुआ है, एक पार्सल जिसका पार्सल नंबर है, जिसका जो पार्सल नंबर है वो है 500, और वो मेरे पार्सल्स में से है, मेरे ऑर्डर्स में से। यानी कि मैंने दराज पे अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर ली। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। तो भैया अभी जो है हमारी मार्केट में हमारी एक और दुकान रेंट आउट हो चुकी है, जो कि है ये वाली। अब इस दुकान के अंदर जैसा अगर लोगों को पता ही है कि मेरा पड़ा हुआ है सारा स्टॉक दराज का भी और सारा स्टॉक दराज और इसको, तो दुकान खोलते हैं हम, इसको देखते हैं फिर कि भाई इसके अंदर हमारा कितना कुछ सामान है और कहाँ कहाँ हमने डालना है जिससे हमारी दुकान ये खाली हो जाए। तो अभी मैं इंग्लैंड ले आया था, नीचे इंग्लैंड की सपोर्ट से हम यहाँ पे जो है ना लाइट कटी थी और टाइलेट दिखाते हैं आपको कि क्या चीज़ कोई। मुझे लगा था कि सामान इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन भाई ये सारा सामान हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा और कहीं साइड में लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी दुकान ये खाली हो जाए और ये दुकान हम रेंट आउट कर सकें। भाई बुखार हो रहा है बिलाल जी? बुखार हो रहा सामान देख के? नहीं। कर लेगा सामान? नहीं, मैंने तो जिम जाना ना। कोई जिम जाना बेटा, कल चल तू काम कर ही थोड़ा सा काम करके मैं जाना। तो ये मैं करता हूँ थोड़ा सा काम बेटा, तूने सारा काम करना मेरे साथ मिलके, ठीक है ना? ये दुकान वेली करनी है और आज एक घंटे वेली करनी, मैंने जाना दोस्तों के साथ। बने जल्दी रहे बाश। तो यार मुझे करनी है आप लोगों से 2, 4, 3, 5 बातें। उनसे पहले माजरत यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी देर तक वीडियो नहीं बना सकता था, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली यूट्यूब पर। लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियोस डाल के आप लोगों को टोपियाँ हरा रहा था, लेकिन नहीं भाई, वह शॉर्ट वीडियोस भी मेरी टिकटॉक की शॉर्ट वीडियोस थी और शॉर्ट वीडियोस वाली आम वीडियोस नहीं थी, वो थी मेरी सीरीज़ की वीडियो। बताता हूँ वो क्या सीन था। सबसे पहले तो यार मेरी बात सुनो, आप लोगों ने मेरे जो है ना मामू के लिए यार दुआ करो, मगफरत की दुआ करो, क्योंकि वो ईद से 2 दिन पहले वफात पा गए थे, जिसकी वजह से मैं इतना शदीद बिजी हो गया था कि ना मैंने ईद के दिन आप लोगों को ईद मुबारक कहा, ना मैंने कोई वीडियो शेड्यूल लगाई, ना कुछ किया, ना मतलब भाई मैं फुल जो है ना सोशल मीडिया से मेरे को गायब हो गया था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने भाई जो है ना सीन कुछ इस तरह से हुए कि मतलब मसरूफियत में दिन रहे और साथ में भाई कभी मैंने हुर जाड़ों, कभी यहाँ आ जाड़ों, कभी क्या सीन, कभी क्या सीन, और ऊपर से मेरी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी। जब सीरीज स्टार्ट की है ना भाई, कसम से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं यार, अब मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने आप को जो है ना काम से उनको मैंने ख़त्म कर लिया हुआ है, और अब उम्मीद तो ये है कि भाई कॉन्सिस्टेंसी के साथ मैं लॉन्ग व्लॉग्स भी और शॉर्ट व्लॉग्स भी डालूंगा और सीरीज के व्लॉग्स भी डालूंगा। सीरीज वाला जो सीन है ना वो इस तरह से कि टिकटॉक पे ना आजकल चल रही है सीरीज, जिस तरह से 50,000 में स्टोर स्टार्ट किया, और जिस तरह से मेरा जो है वो है 20 साल के लड़के ने 1 लाख के बजट में क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, और आज है Day 1, 2, 3 इस तरह से ना मैं सीरीज स्टार्ट हुई हुई है, तो इसमें भाई व्यूज़ भी अच्छे होते हैं और मतलब कि ना बड़ा सीन है, इसके अंदर ट्रेंडिंग चल रहा है काफ़ी ज़्यादा सीन ये वाला। मैंने कहा हम भी बना लेते हैं अभी एक सीन। तो मेरा भाई जो है ना सीन पहले था टी शर्ट्स बनाने का, क्योंकि हर बंदा टी शर्ट्स में डील कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा ना कि हर बंदा ही टी शर्ट में डील कर रहा है, मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा यार मैंने उनके रेट्स देखे तो ऐसी शर्ट जिसको मैं मार्केट में ले जाऊँ तो 500-600 की ईजिली मिल जाए, वो बेच रहे थे 1,000, 1,200, 1,500, 1,800 तक की सेल कर रहे थे, और रिव्यूज़ भी उनके इतने अच्छे नहीं थे, इतना ज़्यादा उनके कचरा आ गया वैसे इस ब्रांड के अंदर। मैंने कहा नहीं यार ये सीन ऐसी ही है, मैंने किसी की जगह ज़रूर करनी है, मैं जो है ना अपना कोई ब्रांड बनाता हूँ, अपना जो है ना कुछ करता हूँ, क्योंकि मुझे कारोबार आता है, तो जिसको कारोबार आता है ना उसके लिए कोई मसला नहीं होता है कोई भी चीज़ सेल कराना। तो मैंने कहा यार हम जो है ना लेडीज़ जो होते हैं ना अनस्टिच क्लोथ होते हैं, हम वो सेल करते हैं, तो मैंने अपने माशाल्लाह से ब्रांड का नाम भी रिवील कर दिया है, टिकटॉक पर उसकी वीडियो डली लगी हुई है। वैसे मेरे जो ब्रांड है ना उसका नाम है लीराज, LEERAS लीराज, मतलब ये जो है ना नाम लीराज मैंने निकाल लिया लीरे से, ठीक है ना, लीरे होता है कपड़े, ठीक है, कपड़े को पंजाबी में कहते हैं लीरा, ठीक है ना। तो मैंने भाई ये सीन निकाला है, तो अभी तक तो जो है ना सीरीज में चला रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। अस्सलामुअलैकुम जी, अभी जो है ना हम फाड़ी हो चुके थे सारे काम काम कर करके, तो मैं दोस्तों के पास जी भी कैसे हो आप लोग, वो व्लॉग शुरू कर बैठा है तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं भाई, हम कुछ नहीं कर रहे थे भाई, आपके बारे में बात भी नहीं। बस हो गए, बस है ना। तू बोलना है, बाकी मैं बोलूंगा। ओके बोल।
हमें तो अपने लूटा गैरों में क्या कहो किसी अभी जो चाचा तो जोड़े मैं कर करूंगा हमें तो मैं लूटा गैरों में कहा दम था हम भूल गए यार चाचा तो बहुत सही यार कल मैं कोई भैड़ी गल नहीं करा मेरा तेरा वादा तू बोलना है हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था भाई जाड़ी गैरों ने गैरों ने कितने पता ही थे नारे सलवार नारे The next day. तो ये है भाई मेरा पिछड़ा हुआ दोस्त सर अस्सलाम वालेकुम तो कैसे हैं आप सर पहले एक बार तेरा गुम हो गया यार तुम कहाँ चले गए हैं यार तेरा भाई बड़ा तो ऐसे नेक्स्ट हो गया था चार लड़के हैं बड़ा हालात चेक करते रहे हालात छोड़ इसकी वजह से ना पहले पिक्चर ऐड कर दूंगा सारे लोग में ठीक है ना वो देना मैं इतना प्यारा लगता इतना प्यारा होगा करता था और क्या हो गया तेरा ये बंदर बना दिया उन्होंने मेरा दाढ़ी नहीं मेरा कला रंग हो गया ऐसे लगा पिटा था मैं तेरे टाइट हो गए हर चीज उन्होंने फिट कर दी तो ये है मेरा दोस्त सनान जिन्हें पता है उन्हें पता है कि ये मेरा दोस्त था और जाता रहा मेरे साथ जिम करने के लिए तो भाई ये चला गया था आर्मी में इसकी सिलेक्शन हो गई थी तो अब मिला मुझे ये तो सीन कुछ ऐसे हैं कि इन 12-13 पार्सल्स में छुपा हुआ है एक पार्सल जिसका जो पार्सल नंबर है वो है 500 और वो मेरे पार्सल्स में से है मेरे ऑर्डर्स में से यानी कि मैंने दराज पे अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर लिए हैं 500 ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने दराज पे 500 ऑर्डर्स कम्प्लीट किए ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है 8 महीने के अंदर 500 ऑर्डर्स ये बिल्कुल छोटी सी अचीवमेंट है लेकिन मैंने कुछ ना कुछ मैंने किया है मुझे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स किस तरह से करना है और पाकिस्तान में मैं किस तरह से बिज़नेस कर सकता हूँ बहरहाल मैंने जब से देखा ना कि मैं बिज़नेस वाली वीडियोस डालने लग पड़ा तो मेरे जो व्यूज़ है ना 15-17 इतने आने लग पड़े हैं पहले जो मैं व्लॉग्स डालता था उसके ऊपर 54 तक व्यूज़ आने लग पड़े थे लेकिन कोई बात नहीं व्यूज़ का खैर है आते रहेंगे व्यूज़ जाते रहेंगे व्यूज़ अभी आप लोग मिले मेरे जिमी से और आज शायद जिमी के कुछ दोस्त आ जाएं जिम्मी बेटा अस्सलाम वालेकुम हां जी तो ये एंडिंग जो है ना बड़ी अजीब सी हो रही है आगे जो क्लिप्स आ रहे थे ना मेरी गैलरी के अंदर बड़े ना अजीब से थे मतलब कौन सी वीडियो कहाँ जा रही मैंने कहा यार अब इस वीडियो को जाए ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो होप्स हो कि अच्छी वीडियो होगी अच्छी मतलब इसके ऊपर जाना सीक्वेंस के साथ हम वीडियो बनाएंगे।